औरैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। यूपी के औरैया जनपद में योगी सरकार की मंशा के अनुरूप गौवंशों के संरक्षण के लिए तत्पर हुए क्षेत्राधिकारी औरैया व औरैया सदर कोतावली पुलिस ने हाईवे पर घेराबंदी करके 2 कंटेनर ट्रक में तस्करी कर ले जा रहे 32 गौवंशों को 3 तस्करों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में से 2 गया के तथा 1 जनपद चंदौली का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से जीवित 30 गौवंशों समेत 2 मरे हुए गौवंशों समेत गौ हत्या के उपकरण बरामद किए हैं। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतावली पुलिस को लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ गौ तस्कर लगभग कई गौवंशों को कंटेनर ट्रक में भूसे की तरह भरकर गौ हत्या के इरादे से ले जाते रहे हैं। सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस और क्षेत्राधिकारी औरैया ने जनपद जालौन और औरैया मुख्य सड़क पर कंटेनर ट्रक को रोका, जिस पर कंटेनर चालकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 3 अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से 30 जीवित गौवंशों व 2 मृत गौवंशों को भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए 3 गौ तस्कर में से 2 गया के हैं और वहीं एक जनपद चंदौली का रहने वाला है तथा पुलिस ने कंटेनर ट्रक से एक कुल्हाड़ा, गौवंशों को काटने वाले 2 बांका छुरा, गौवंशों को बांधने वाली रस्सियां भी बरामद की है। औरैया द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें सीओ साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में एक क्राइम टीम द्वारा यहाँ की 2 ट्रक बरामद किए गए। जब उन ट्रकों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था चेकिंग के द्वारा, तो रुके नहीं, जिसमें से जब उन ट्रक को चेक किया गया आगे रोक करके, तो उसमें करीब 30 गोवंश मिले हैं और 2 मृत गोवंश हैं। साथ में ये 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम मोहम्मद चांद खां, अयूब खां और तौफिक अहमद सिद्दीकी हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये गोवंश को जालौन से भर करके कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरी तरफ ले जा रहे थे। पुलिस को जब ये सूचना मिली, पुलिस ने चेकिंग लगवाई थी, चेकिंग के दौरान इनको रोक करके इनको ये गौवंश इसमें से बरामद किए गए। साथ में इसमें कुल्हाड़ी और अन्य रस्सी और अन्य तरीके के उपकरण जिनसे ये गौवंश को बांध करके रखते थे वो मिले हैं। इसमें ट्रकों को जब खोल करके देखा गया तो पाया कि अलग अलग कंटेनर में इनको बहुत ही बृहद क्रूर तरीके से इन सबको अंदर बांध के रखा हुआ था, जिस कारण इसमें जो 2 गौवंश इनकी भी हत्या हो गई थी, इसमें ये भी उसमें मृत पाए गए हैं। इन सभी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो इनके और भी साथी हैं और भी इसमें जो अपराधी होंगे उनकी भी धरपकड़ की जाएगी और साथ में अभी देखा जाएगा कि इनका लिंक किस नेटवर्क से जुड़ा है जहाँ से ये लोग ऐसे स्मगलिंग करते हैं कैटल की। सर, ये लोग जो पकड़े गए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसमें चेक कर रहे हैं इनका क्राइम कहाँ कहाँ कौन कौन से जनपदों में और इनके खिलाफ अपराध पंजीकृत है। इसमें से जो अपराधी है मोहम्मद चांद खां वो जनपद गया बिहार का रहने वाला है, अयूब खां भी जनपद गया बिहार का रहने वाला है, तौफिक अहमद सिद्दीकी ये जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन सभी के जो जनपद है जहाँ के निवासी हैं वहाँ से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जा रही है और अन्य जानकारी की जा रही है। क्या इन लोगों के तार यहाँ से भी जुड़े हुए हैं? ये अभी कहना मुमकिन नहीं है, अभी इसमें हम और भी पूछताछ करेंगे और जिनका भी नाम इसमें आगे आएगा उसमें भी उन सबको पकड़ करके इसी केस में इनको अपराधी बना करके उनको भी जरूर जेल भेजा जाएगा। ये गैंग सर कहाँ से ये गौवंश लाता था और क्या करता था, कहाँ लेता? अभी तक की पूछताछ में यही पता चला है कि इनकी जालौन से ये लोग इटावा की तरफ और अन्य जनपदों में ये छिपा करके ले जाया करते थे। ये कल पुलिस को जो सूचना लग गई जिस कारण ये पकड़े गए हैं, अभी इनके और किस किस अलग लोगों से तार जुड़े हुए हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।